हाय दोस्तों, मैं हूं क्यारेन महापात्रा, आप सभी की दोस्त और इस छोटी सी चैनल की होस्ट। आप सभी को स्वागत करती हूं मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज इस वीडियो में बात करेंगे एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट के बारे में। यस, एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट के बारे में अभी तक काफ़ी लोग सुने भी नहीं होंगे, बिकॉज इट्स वेरी रेयर डिजीज। तो चलिए, इस वीडियो में लेट नहीं करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ मैं अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। सिस्ट, जिसे गांठ या पुटी भी कहते हैं, शरीर के भीतर मेम्ब्रेन में एक असाधारण थैली होती है, जिसके अंदर कोशिकाएं आसपास की टिश्यू से अलग आयोजित हो जाती हैं। सिस्ट की परिभाषा के अनुसार ये एक विकृत ढांचा माना जाता है। हालांकि बहुत सी ऐसा सिस्ट शरीर में बिना हानि किए आजीवन रह सकते हैं। सिस्ट के भीतर एयर, वाटर या ब्लड भी हो सकती है। कुछ सिस्ट खुद ही समय के साथ छोटे टुकड़े में होकर लुप्त हो जाती है, जबकि कुछ सिस्ट समय के साथ आकार में बड़े होने लगते हैं और इसका उपचार अंत में सर्जरी या BMT यानी कि बोन मैरो ट्रांसफर से हो सकती है। कुछ सिस्ट आगे चलकर कर्क रोग यानी कि कैंसर की ट्यूमर बन जाती है, जैसे कि उसमें एक है एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। तो दोस्त, ये सिस्ट होता क्या है? ये सिस्ट एक विशेष प्रकार की कीड़े का अंडा होता है, जिस पर एक मोटा सा परत यानी कि कवच चढ़ा हुआ होता है, और ये अंडा शरीर के जिस भी अंग में पहुंचता है वहाँ धीरे धीरे आकार में बड़ा होना शुरू हो जाता है। एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट यानी कि ABC एक कैंसर युक्त हड्डी का ट्यूमर है, जो कि हड्डी में अलग अलग आकार में अलग अलग स्थानों पर बढ़ जाता है और ये ब्लड भरा होता है। यह आमतौर पर प्रभावित हड्डियों में दर्द या सूजन की साथी होता है। बाकी हड्डियों की आसपास के टिश्यू में ये इतने दबाव पैदा कर देते हैं, जैसे कि इससे न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी हमारे शरीर में पैदा हो जाता है। शुरुआत में ये पता ही नहीं चलता है, कभी कभी मामूली सी दर्द हो सकती है, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है तो इसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। हड्डियों की आसपास की त्वचा का तापमान बढ़ सकता है, हड्डियों में सूजन हो सकता है और आपको हमेशा एक बुखार महसूस होगा। थकावट इतना ज़्यादा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमेशा मानो कि 500 स्टेयर्स यानी कि 500 सीढ़ी आप चढ़ के आए हो, या बहुत ज़्यादा पत्थर तोड़ लियो, कुछ ऐसा थकावट जो हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। थकान, बुखार और इसके साथ शुरुआती दौर में वज़न घटने लगता है, फिर धीरे धीरे जैसे ये बीमारी आपके अंदर प्रभावित हो जाता है, बढ़ने लगता है, तो फिर अचानक वज़न बढ़ना भी इसमें शामिल है। साथ में बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया, यूरिन इन्फेक्शन और जो इंज्योर बोन्स है यानी कि जिस एरिया में ये प्रभावित हो चुका है वो बोन्स सिकुड़ने लगता है यानी कि छोटा होने भी लगता है। आमतौर पर एक्सरे, रेडियोलॉजिकल टेस्ट, सीटी स्कैन, MRI, पेटी स्कैन, बोन स्किटीग्राफी द्वारा इसका टेस्ट किया जाता है। ये दुर्लभ है, समझिए कि घटना प्रति 10 लाख प्रति वर्ष लगभग 0.15 मामले ही है, इसीलिए इसे रेयर ABC कहा जाता है, यानी कि रेयर एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। 1942 में पहली बार जाफ और लिचेस्टिन द्वारा इसके प्रारंभिक विवरण के बाद से ही एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट को व्यापक रूप से अनिश्चित कारण की एक प्रतिक्रियाशील प्रक्रिया माना गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैं आप सब से ये बोली थी कि वीडियो की अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं इस वीडियो में अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी थोड़ी सी आप सब से शेयर करने वाली हूँ। लेकिन वीडियो में आप लोग देखकर ये समझते होंगे, अरे ये तो सिस्ट के बारे में बोले जा रही है, पर्सनल लाइफ स्टोरी कहाँ है? तो दोस्तों, पर्सनल लाइफ स्टोरी ये है कि मुझे 2020 में ही पता चला कि ये बीमारी मेरे अंदर भी है।
मैं प्रतिदिन खुद की जिंदगी के साथ और खुद के साथ एक अजीब सी लड़ाई लड़ रही हूँ, और ये कितनी गुना ज़्यादा मैं लड़ रही हूँ जो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। आप अगर मुझे सामने से देखेंगे तो मेरी ये स्किन टोन्स, मेरी हेयर्स, मेरी बोन्स, यानी कि मुझे हिप में इंजोर है, हिप बोन्स मेरी डैमेज है, तो आप अगर मुझे देखेंगे तो हिप बोन्स से लेकर एंकल्स तक मेरी बोन्स जो है सिकुड़ने लगा है, वो दिखता भी है। और मुझे चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ होता है, उठने बैठने में भी काफ़ी तकलीफें होता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कि 10-15 मिनट तक मैं अचानक मेरी आँखों में बिल्कुल अंधेरा सा लगने लगता है, या फिर धुंधला लगता है, मैं देख नहीं पाती हूँ, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा इरिटेशन है, यानी कि कभी कभी मुझे एक एक पेन उठा के भी कुछ करने का मन नहीं करता है। मुझे एक साइन करने के लिए भी बोला जाए तो भी मुझे बड़ी अजीब लगता है। मुझे कभी कभी किसी से कुछ भी बात करने के लिए मन नहीं करता। जैसे मेरे घर पे कोई आए हैं या फैमिली मेरे साथ, जैसे सुक्कू है तो उसके साथ भी ऐसा भी दिन जाता है कि दो दो तीन दिन दिन मैं बिल्कुल बात ही नहीं करती हूँ या मेरी मन नहीं होता है। फिर भी मेरी मजबूरी है, मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है, और मुझे ये जंग लड़ना पड़ेगा। मैं खुद को कभी कभी अच्छा लगाने की बहुत कोशिश करती हूँ, जब थोड़ा सा बेटर लगता है, क्योंकि फिर मैं उस समय सुकू के साथ खेल लेती हूँ या फिर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ कुछ एप्लीकेशन में। पहले तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐप में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, लेकिन अभी मुझसे और हो नहीं पा रहा है, तो अभी मैं जस्ट इलू ऐप में ही लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ, वो भी कभी कभी। दोस्तों, दिन की 24 आवर्स में मैं 24 स्टाइल में रहती हूँ। इट्स मीन्स अगर 1 घंटा आप मुझे देख रहे हो कि मैं थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ा उठ के मैं बैठ गई या थोड़ा चल ली रूम के अंदर, या थोड़ी भी कभी अगर थोड़ा सा कभी बाहर निकल गई, तो ऐसा हो सकता है कि मैं उसकी अगले घंटा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँ और बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सोना पड़ता है और मेरी वेट भी काफ़ी ज़्यादा गेन हो रहा है, जिसके कारण मुझे चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मेरी पूरी शरीर फूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होता है, और किडनी में भी थोड़ा पानी जम जा रहा है आजकल। तो बहुत ज़्यादा एक मतलब अलग अलग प्रकार की अलग अलग मुझे परेशानी, रोज़ कुछ ना कुछ नया ही होते रहता है। अब ये सारी चीज़, ये जो एक एक फिंगर्स, ये जॉइंट भी मेरे आजकल बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरे यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल रहता है। इतने कुछ की बात भी मैं कोशिश करती हूँ, मुझे सब कुछ अच्छा लगाना पड़ता है, मुझे अच्छा लगता भी है इंटरनली। दोस्तों, मुझे दुनिया की हर चीज़ अच्छा लग रहा है, क्योंकि शायद ये है, जब आपको पता चले कि मौत और ज़िंदगी दोनों इतनी करीब है, तो शायद दुनिया की हर चीज़ बहुत अच्छा लगने लगता है। क्योंकि क्या पता कल ये दुनिया का हर चीज़ मेरे साथ हो या ना हो। तो मैं इस दुनिया को बहुत प्यार करती हूँ, मैं ये सारे प्यार समेट के अपने साथ रखना चाहती हूँ, ये पल मैं समेट के अपने साथ रखना चाहती हूँ। बट शायद मेरे साथ चलने वाले कुछ लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है ये ऑब्वियसली कोई समझ नहीं पाएगा ना। यहाँ पर क्या चल रहा है ऑब्वियसली कोई बाहर वाले नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये जब तक आप बीती ना हो। तो ये मेरी आप बीती बातें हैं, ये मैं समझ सकती हूँ, बट शायद हमें कोई समझे या ना समझे, बट ये मेरी खुद की ज़िंदगी की लड़ाई, मैं नहीं हार मानूंगी, क्योंकि मुझे ये बात पता है हार के आगे जीत है। तो हार के आगे जीत है, तो मैं जीतना चाहूँगी। और दोस्तों, ऐसा भी है, मैं हर काम करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसमें भी परफेक्ट नहीं हो पाती हूँ। मैं खुद को खुश रखने के लिए बहुत तरीका तो ढूंढती हूँ, लेकिन जब मैं कोई रील्स बना लेती हूँ, या मैं कहीं स्ट्रीमिंग कर रही हूँ, या मैं कभी अगर यूट्यूब से वीडियो पोस्ट करती हूँ, मैं कहीं भी रेगुलर आजकल नहीं हो पाती हूँ। लेकिन फिर भी शायद मेरे कुछ दोस्त लोगों को भी लगता है कि अरे ये तो खुश है, आप लोगों को भी लग सकता है, अरे ये तो ठीक है, अभी तो इसका वीडियो देखे कहाँ बीमार है। लेकिन ये सब मैं ज़बरदस्ती करती हूँ, इसलिए ज़बरदस्ती अपने से करती हूँ ताकि मैं खुद के साथ खुद को ठीक रख पाऊँ, ये एक बहाना है। तो मेरे साथ आप लोग देते रहिए, जब तक आप लोग मेरे साथ दीजिएगा, मेरा हिम्मत भी बना रहेगा। तो दोस्तों, ये मेरी लाइफ की छोटी सी स्टोरी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल कोई और नए वीडियो के साथ।